अनोखी मुहिम चलाई गई है, जिसमें राजधानी लखनऊ में उम्मीद संस्था और नगर निगम के सहयोग से जो बच्चे चौराहों, सड़कों, डिवाइडर पर भीख मांगते और गुब्बारे बेचते थे, उन्हें भारत सरकार के द्वारा उम्मीद संस्था और नगर निगम के जरिए बच्चों को शिक्षित करने की पहल चलाई है, जिसमें इन बच्चों को अनेकों सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था के साथ साथ स्कॉलरशिप से भी जोड़ा जाएगा। अभी यह पहल राजधानी लखनऊ में बतौर ट्रायल की जा रही है, जिसमें लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि लाइट और बैठने और रुकने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है। जो बेसिक शिक्षा में जाने जाते हैं उसमें उनकी एडमिशन अभी कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो बच्चे बड़े हैं, जैसे कुछ 16 साल 17 साल के, तो उनको स्किल डेवलपमेंट की गई है। एक स्मार्ट क्लासेस गवर्नर मैडम द्वारा चिन्हट में हमारा जो वहाँ पे आश्रय स्थल है उसमें दिया गया, वहाँ क्लासरूम उनके लिए खोला गया है। उनकी कॉलोनी के बिल्कुल बगल में ये क्लासरूम है, वहाँ एक टीचर है जो उसको पढ़ाती है। ओवरऑल उम्मीद फाउंडेशन इसमें वर्क करती है, भारत सरकार की इसमें फंडिंग है। अब इसको पायलट को हम लोग जो है बाकी NGOs के साथ मिलकर बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो हमारे अनप्रिविलेज बच्चे हैं जो भीख मांगते थे, कभी जो बलून बेचते थे, उनके लिए बेसिकली ये है अनप्रिविलेज क्लास, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है इन लोगों के लिए। तो बेसिकली यही है कि उनको मतलब शिक्षा की ओर उनको हम अग्रसर करें और उनको भिक्षा मुक्त कराएं उनको, ये एक हमारी मुहिम है। बेटा, माय नेम इज पायल। कहाँ के रहने वाली हो? चिन्हट। यहाँ कब से पढ़ा है? परसों से। इससे पहले क्या करती थी बेटा? मैं रोज नंबर बेचते थे। यहाँ पर आई हो जब से? कुछ पोयम आ गया? हाँ। सुनाइए। तितली उड़ी बस पे चली, सीट ना मिली, लोने लगी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले क्या? हम लोग पहले बलून बबल बेचते थे, और एक जब मैम लोग आई है तो के बोले तू लोग पढ़ोगे, हम बोले हाँ पढ़ेंगे। तब तक वो मैम लोग आई, तब हम लोग अच्छे से पढ़ने लगे। हम लोगों को ABCD छोटा बड़ा 1 2 और करन नेम फोर्थ नेम, ये हमको सब चीज आता है। भारत सरकार की एक नई पहल आई है सामने, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, आपको बता दूं कि ये वही बच्चे हैं जो ठीक मेरे पीछे हैं। ये बच्चे कभी डिवाइडर पर भीख मांगते थे, बैलून बेचते थे, और आज ये शिक्षा ले रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की पहल है, स्मार्ट क्लासेस चलाए जा रहे हैं। उम्मीद संस्था और नगर निगम के सहयोग से ये स्मार्ट क्लास चला जा रहा है, जिसमें LCD भी लगाई गई है यहाँ पे। इन LCD के माध्यम से इनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। यही नहीं, इनको जो शिक्षा दी जा रही है, टेबल है, मेज इसमें जो दी गई है, उसके बाद आपको बुक्स दी गई है, उसके बाद पानी का बोतल भी दिया गया है और एक बैग भी दिया गया है। देखा जाए तो मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। अब बात की जाए लखनऊ जनपद की, तो ये समझ लीजिए एक ट्रायल है या फिर समझ लीजिए इनकी एक शुरुआत है। अगर यहाँ पर यह सफल होता है तो ये सभी जनपदों में लागू किए जाएंगे।